नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पाठशाला पे आपको कंटिन्यूअस ऑफिशियल कट ऑफ वीडियोज़ मिल रहे होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट राउंड कवर किया, सेकेंड राउंड कवर किया, वो भी बीएचयू के लगभग हर एक कोर्स को कवर किया है। बीएचयू पाठशाला पे जैसे कॉमेंट्स आते थे उसी बेसिस पे वीडियोज़ बनाए गए। हम लोगों ने बीए, बीएलएलबी, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना के मैंने चैनल पे बना दिया है। आप लोग जाके वहाँ पे किसी भी कोर्स का, आपका कोई दोस्त है अगर उसको लिंक भेजना है तो आप लोग भेज के बोल दो, यहाँ से ऑफिशियल कट आप वीडियोज़ देख सकते हो। आज हम लोग थर्ड राउंड बीएचयू बीए सोशल साइंस कट आप देखेंगे, जिसमें हम लोग एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एमएमबी महिला महाविद्यालय, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी ये कट ऑफ नीचे कितना डाउन हो सकता है, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा इंक्वायरीज तो ये है कि सर अभी घटेगा कि नहीं घटेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे हर एक बात को लगभग अपने दिमाग में आराम से बैठाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ये नंबर है जिस पे आप लोग व्हाट्सएप इंक्वायरीज कर सकते हो। बीएचयू पाठशाला पे सीयूटी की प्रिपरेशन हो रही है तो यहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोगों ने बच्चों की इंक्वायरीज और उनकी प्रॉब्लम्स के बेसिस पे एक नया इनिशिएटिव चालू किया है। उसमें ये है कि अगर कोई बच्चा अपना कैरियर डेवलपमेंट या कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स लेकर आता है, इट मीन्स कि सर मेरा आगे का कुछ फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इससे भी बड़ी बात यह है कि हम आगे करें क्या, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हो, तो ऐसे में आप लोग इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम लिख के व्हाट्सअप करोगे, आपको एक टाइम दिया जाएगा। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी ये जो नया प्रोग्राम है इन फ्यूचर ये पेड भी होगा। पेड इसलिए होगा जिससे कि हम लोग को अच्छे बच्चे मिले, उनकी रियल इंक्वायरीज को हम लोग कवर कर सकें, उनसे सही मायने में बात हो सकें। बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे, बस उतना ही जिससे कि बच्चा जेन्यूनली हमारे पास आए। मान के चलो कि बहुत होगा तो 100 to 200 रुपीज़, जिससे कि हम लोग उन्हें टाइम दें, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स और उनके पूरे एम को लेके उस पर बातें हों और उनके लिए अच्छा सा सजेशन दिया जा सके, ठीक है। तो आप लोग अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस इनिशिएटिव प्रोग्राम को, जिसमें हम लोग उनको कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस महिला महाविद्यालय, ये बीएचयू के अंदर ही है, गर्ल्स कॉलेज है। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। जनरल जो गया हुआ है एफएमसी में वो गया है 331 यानी 341, ओबीसी में गया है 335 यानी 335, एससी में गया है 294 यानी 294, एसटी में गया है 245 यानी 245, ईडब्ल्यूएस में 335 यानी 335। ध्यान देना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम चल रहा है। ये है इम्प्लाई वार्ड जो कि 18 नंबर पे भी एडमिशन ले सकते हैं। एमएमबी की बात करें तो 331 यानी 331, ओबीसी 317 मीन्स की 317, एससी यहाँ पे है 269 यानी 269, एसटी है 229 229, ईडब्ल्यूएस है 314 यानी 314, और इम्प्लाई वर्ड 23 नंबर लाके एमएमबी में एडमिशन ले सकती हैं लड़कियाँ। सो इस वीडियो में अब हम लोग लास्ट में ये समझते हैं कि सर क्या कट ऑफ इससे नीचे जाएगा। देखो ध्यान देना, ये अभी रेगुलर फी का है जो कि 27 तारीख को आया, अभी पेड सीट अलॉटमेंट बाकी है। पेड सीट अलॉटमेंट में हर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अब बात आती है कि सर पेड सीट अलॉटमेंट में सीट कितनी है। देखो यहाँ पे 12 to 14% ओवरऑल जो हमारी सीट होती है उसका होता है। सपोज कि अगर मैं सोशल और आर्ट्स मिला के बात करें तो 1000 से ज़्यादा सीटें आराम से आती हैं, 1200 से 1300, और एमएमबी में मिला दें तो 1800 के आसपास। यानी पेड सीट का सिलेक्शन लगभग 150 सीट पर होने वाली है, लगभग 150 मैं मोटी मोटा मान के चलता हूँ। तो इन 150 बच्चों को पहले ऑफर किया जाएगा एफएमसी एंड एमएमबी में कि आप पेड सीट पे आ सकते हो, लेकिन वो भी मेरिट को फॉलो करेगा। जैसे मान लो 341 तक है तो अब ये घट के 335 तक जा सकता है, 300 आपका 20 तक जा सकता है, ऐसे मतलब ये ऑफर करेंगे। और इसके बाद अभी हम लोग का एफिलेटेड का पूरा बाकी है, उसमें लगभग 3-4 कॉलेजेज हैं, एएमपीजी है, बीसीडब्ल्यू है, बीकेएम। देखो लड़कियां तो हिम्मत मत हारना, उनको अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, इवन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है उनके एडमिशन का। अभी इलाहाबाद की सीट खाली है, बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ से छोड़ के इलाहाबाद गए तो यहाँ मौका मिलेगा, और यहाँ नहीं हुआ तो इलाहाबाद में आपको मौका मिलेगा। सो प्लीज़ कीप पेशेंस, कीप मोटिवेटेड, और जो मैंने एक इनिशिएटिव के बारे में बताया वो इस पर अपना इंक्वायरीज कर सकते हो, जो भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे। वो उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा
परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें लग रहा है कि सर प्लीज़ मेरे को सजेशन चाहिए। तो एक्चुअली कुछ मुझे ऐसे मैसेज कॉल मिले, इस इनिशिएटिव को मैंने नहीं आपके बीच से ही बच्चों ने उठाया कि सर प्लीज़ आपसे ऐसे कुछ सजेशंस के लिए कोई प्रोग्राम, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा प्रोग्राम नहीं अवेलेबल है जिसमें उन्हें करियर डेवलपमेंट के बारे में ऐसे बताया जाए। बिजनेस के बारे में तो है, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बिजनेस के बारे में बताते हैं पैसे लेके, लेकिन कैरियर डेवलपमेंट के लेके नहीं था। तो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा, जैसा मैंने बताया कि वीडियोज़ आप ये मत सोचना कि बहुत पैसे का कुछ हम लोग का है, बस पैसे इसलिए रखे जाएंगे जिससे कि जेन्यून बच्चा मिले, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में हर किसी को ऐसे बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, है मोरल बेसिस पे ही काम होगा, ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ एवरी वन डू लाइक एंड डू से सब्सक्राइब दिस एंड लाइक दिस वीडियो। तो अभी ये राउंड जो है ना, ये आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी आप लोग वरीड नहीं होना है। बी एच यू पाठशाला पे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ एवरी वन डू लाइक एंड डू शेयर।